implication there, which one of the following statement is correct? For the total compensation in women, X chromosome inactive in the female occur in the zygote immediately after the fertilization. But by the way, the X chromosome inactive or the female cultivation. X chromosome inactive is non-random in some of the individual, met paternal X individual, while the other of the paternal X chromosome is inactive. Difficult about it. Y chromosome mainly is seen as barbody. So barbody होती है, वो dark stain body होती है, जिसके interface होता है ना अंदर सेल के female के अंदर उसमें मिलती है, ठीक है वहाँ होती है. और mammal के अंदर भी होती है X chromosome, उसके अंदर inactive form में होती है mammal के अंदर barbody, ठीक है two inactive X chromosome, ठीक है. वहाँ भी मिलती है inactive. और cat के अंदर जो male होता है उसके अंदर absent होती है. और इसलिए ये भी option गलत है, ठीक है. चौथा है क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ द फीमेल इज मोजिक इन द सेल इन सम ऑफ द हैविंग द पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम इज हैविंग द मैटरनल इन द एक्स इंडिविजुअल. तो इसमें क्या होता है, जो गाइनोंड्रोमॉर्फिज्म होता है उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, जिसके अंदर वन साइड मेल होता है, अदर साइड फीमेल होता है. दे कैन मोजिक करते हैं लाइन स्टैंड के अंदर, ठीक है. द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है. तो एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, जो डिवाइडिंग सेल होती है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, जिसके अंदर क्या एक्स एक्स लाइन और एक्स ओ सेल लाइन बनती है, जिसके अंदर मेल के अंदर एक्स ओ और फीमेल के अंदर एक्स एक्स बनता है. तो इसलिए ये क्या है, ये करेक्ट है आंसर. क्योंकि क्या है, जो पैटर्न मैटरनल है एक्स इनएक्टिव होती है, फीमेल के अंदर होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मेल की फीमेल के अंदर इनएक्टिव होती है, तो एक्स की तो सही बात है. और जो सम हैविंग पैटर्न एक्स क्रोमोसोम के अंदर एक्टिव होती है, ये सही बात है. ओके है.